हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन्स है। सो फेस्टिव स्ट्रीट्स दे रहे, इट मीन्स दिया जा रहा है HDFC की जो भी कस्टमर्स है उनको। आप यहाँ देख पा रहे हो, करो हर दिल रोशन विथ 10,000 प्लस ऑफर्स ऑन कार्ड्स, लोन्स, ईजी EMI, नंबर वन बैंक, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर। सो फर्स्ट जो यहाँ पे है पर्सनल लोन। सो जिन किसी को भी पर्सनल लोन चाहिए होगा, तो उनको ये रहता है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसे मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट जो रहेगा पर्सनल लोन के ऊपर वो है 10.25% ऑनवर्ड्स। इट मीन्स मिनिमम 10.25% है, बट ये डिपेंड करता है, किसी किसी को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा भी दिया जाता है, तो इसके आगे से बढ़ते जाएगा। सो मिनिमम किसी नॉर्मली जो जिनका हायर अमाउंट रहता है ना, उनको ये 10.25% भी मिलता है। एंड गेट मनी इन 10 सेकेंड्स। सो 10 सेकेंड्स इसे बोलने के लिए नहीं लिखा हुआ है, सच में 10 सेकेंड्स के अंदर आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। एंड सेकेंड है कार लोन। कार लोन अगर आपको चाहिए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जान लीजिए, 7.5% है ऑनवर्ड्स, या फिर मिनिमम इतना है, उसके आगे भी और है। एंड ज़ीरो फोरक्लोजर चार्जेस। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हम लोन लेते हैं एंड उसे अगर हमको क्लोज करना होता है तो उसके प्री क्लोजिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, ज़ीरो फोरक्लोजर चार्जेस है। फोरक्लोजर, प्री क्लोजर, ये दोनों ही चार्जेस सेम है। एंड टॉक टू आवर स्टाफ टुडे, ज़्यादा आपको जानना होगा तो आप बैंक में जा कर के स्टाफ से प्रॉपर बात कर सकते हो। सो आते हैं सेकेंड शीट पे। सेकेंड शीट पे आपको होम लोन, गोल्ड लोन, डिजिटल लोन, अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, बिजनेस लोन, ये सारी चीज़ें दिख रही है। सो होम लोन अगर आप लेना चाहते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6.7% ऑनवर्ड्स। सो मिनिमम 6.7% है, ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जैक्ट ज़्यादा कितना रहेगा एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, इट मीन्स वहाँ से स्टार्ट है और भी रहेंगे। एंड स्पेशल प्रोसेसिंग फी ऑफ 3,000 प्लस टैक्सेस। सो जो भी होम लोन लेते हैं, होम लोन का जो प्रोसेसिंग फ़ी है ना, ऐसा नहीं होता कि 500 है, 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 10,000 रहता, 20,000 रहता, ऐसा प्रोसेसिंग फ़ी रहता है लोन, होम लोन का। सो यहाँ पे आपको स्पेशल प्रोसेसिंग फ़ी दी जा रही है 3,000 की, बस 3,000 की, प्लस उसके ऊपर कुछ GST टैक्सेस लगेंगे। ये हो गया होम लोन। अब आते हैं गोल्ड लोन पर। सो गोल्ड लोन हर कोई तो लेता है नहीं, जिसके ऊपर बहुत ही परेशानियाँ मुसीबत आ जाती है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो लास्ट टू लास्ट ऑप्शन बचता है वो होता है गोल्ड लोन का। वो भी तब बचता है जब उनके पास गोल्ड होनी चाहिए, जिनके पास नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकते। सो गोल्ड लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट 9% है फॉर लोन्स ₹5 लाख। इट मीन्स ये 9% का रेट इसलिए दिया जा रहा है जिनका भी अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है। अगर 5 लाख से कम है तो वो तो मेंशन है नहीं, 5 लाख से जिनका भी अमाउंट ज़्यादा है ना, तो उनको गोल्ड लोन दिया जाएगा। नॉट गोल्ड लोन, इट मीन्स 5 लाख से ज़्यादा अगर उनको अमाउंट दिया जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड लोन लेने वाले को 9% ही पे करना पड़ेगा। एंड प्रोसेसिंग फ़ी है 0.2%। सो 0.2% बहुत ही मिनिमल है। सो गोल्ड लोन भी हो गया। डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। अगर आपको डिजिटल लोन लेना है, फ्लैट प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा 750, बहुत ही कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.9%, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। एंड बिजनेस लोन पे आते हैं, कोलैटरल फ्री लोन, यानी कि कुछ आपको गिरवी वगैरह नहीं रखना पड़ेगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपका कोई ये सिक्योरिटी वगैरह, ये बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन वो तो लगेगा ही, बिना किसी प्रूफ के, इट मीन्स बिना किसी, आप अगर आपने लिया रहेगा तो ऑलरेडी पता है बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है, कोलैटरल देना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ भी देना नहीं है, ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सो यहाँ पे भी आपको 75 लाख तक का लोन मिलेगा एंड 50% ऑफ ऑन प्रोसेसिंग फ़ी। सो जो भी प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, बिजनेस लोन में ऑब्वियसली हायर रहता होगा प्रोसेसिंग फ़ी, सो उस पर आपको 50% का ऑफ मिलेगा। और ये सारे ऑफर जो है ना, ये आप तभी अवेल कर सकते जब आपको ये इन सारी चीज़ों का ऑफ़र हो। अगर ऑफ़र नहीं है तो आप नहीं अवेल कर सकते। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है HDFC बैंक का, कि अगर किसी कस्टमर को ऑफ़र नहीं होता तो वो अवेल नहीं कर सकते, ये बहुत ही बुरा पॉइंट है। अब आते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रख करके लोन आपको लेना है तो
सो फ्लैट प्रोसेसिंग फी है 9,999 फॉर लोन अप टू रुपी 1 करोड़। अगर आपको 1 करोड़ तक का लोन चाहिए तो प्रोसेसिंग फी आएगा 9,999 और 0.25% फॉर लोन बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़। बाप रे, 0.25% फॉर लोन। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 2 करोड़ का 0.25% कितना होगा। सो ये कुछ जानकारी थी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। आगे है कमर्शियल व्हीकल लोन, 50% ऑफ ऑन प्रोसेसिंग फ़ी। सो प्रोसेसिंग फ़ी जो भी लगेगा अगर आप कमर्शियल लोन ले रहे हो तो उस पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक 10,000 है तो 5,000 हो जाएगा। एंड फंडिंग अप टू 90%। फंडिंग आपको कितना दिया जाएगा? 90%। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी ये गिरवी रख रहे हो कमर्शियल व्हीकल लोन, सो आपको 90% तक का उसका लोन मिल जाएगा। जो भी आपका अमाउंट होगा उस गाड़ी का, उसका 90% तक अमाउंट का आपको लोन मिल जाएगा। एंड वर्किंग कैपिटल लोन पे आते हैं, फ्लैट प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा 10,000 फॉर लोन अप टू 1 करोड़ फ्लैट, अगर 1 करोड़ तक है। एंड अगर उससे ज़्यादा है 2 करोड़ तक है तो 25% का लोन आपको, 25,000 तक का प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। आते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन पे, सो 0% प्रोसेसिंग फ़ी है अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ले रहे हो, जैसे कि ये खेत वेत जोतने के लिए आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। एंड फंडिंग अप टू 90%, यहाँ पे भी 90% आपको फंडिंग दी जाएगी। यस, यूज्ड कार लोन, अगर आप यूज्ड कार लोन ले रहे हो सो इंटरेस्ट रेट आएगा 9.75% ऑनवर्ड एंड 0 foreclosure charges। आपके पास कोई कार है ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं, वो दे करके आप लोन ले रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट रेट 9.75% आपको पे करने पड़ेंगे, 0 foreclosure charges रहेंगे। 2-wheeler लोन लेना है देन 100% फंडिंग मिलेगी आपको एंड अप टू 4% लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा। ईजी है मैम, कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर अभी बहुत चल रहा है ये। सो 22.5% कैश बैक प्लस नो कॉस्ट EMI मिलेगा आपको। वाओ, 22.5% कैश बैक मिलेगा आपको एंड नो कॉस्ट EMI रहेगा विद डेबिट क्रेडिट कार्ड एंड कंज्यूमर लोन्स। डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से एंड कंज्यूमर लोन्स, यानी कि पेपर वर्क करके भी आप ले सकते हो। सो ये सारे लोन के लिए ना आपको ऑफर होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया अभी वापस बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कस्टमर्स आते हैं उनको लोन चाहिए रहता है, उनको ऑफर नहीं होता और मुँह बना के चले जाते हैं, ये राइट वर्ड है। इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन बोलने नहीं हो रहा था, लिटरली उनका मुंह ना देखने लायक होता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया है लोगों ने, ऑफ़र है तो ही नहीं तो नहीं, कुछ ऑप्शन रखना चाहिए। लाइक क्रेडिट कार्ड के लिए तो है यहाँ पे ऑफ़र एंड ऑप्शन है, फॉर्म के थ्रू ले लेते, लेकिन यहाँ देखा मैंने आज ही ब्रांच में एक या दो लोग आए थे, पर्सनल लोन चाहिए था, ऑफ़र नहीं था इसलिए नहीं मिला उनको। सो लास्ट में आते लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, 0% प्रोसेसिंग फ़ी है। सो फिलहाल 0% प्रोसेसिंग फ़ी सच में चल रही है, हमने भी जितने कस्टमर्स को दिया हुआ है या फिर पिच करते हैं लोन के लिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर, सो सच में उनका 0% प्रोसेसिंग फ़ी है। कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है और ना ही कोई ऐसी प्रोसेसिंग फ़ी है जो पहले डिडक्ट हो जाएगी बाद में रिवर्स की जाएगी। सो आते हैं इंस्टेंट डिस्बर्सल, इंस्टेंट आपने यहाँ प्रोसेस किया वहाँ आपको अमाउंट मिल गया एंड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे बड़ी बात, कुछ भी आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपका आधार कार्ड, ना ही पैन कार्ड, ना ही कुछ भी। सो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, इतना ही था। सो थैंक यू सो मच गाइस, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।